हेलो एवरीवन, कैसा काय। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अगर वाटर में एसिड और बेस दोनों को एक साथ अगर ऐड कर देंगे तो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, वो भी रफ़ी सर के सिंपल ट्रिक्स एंड कंसेप्ट से। तो पहले ध्यान से समझो कि अगर हमने वाटर में एसिड और बेस दोनों को एक साथ ऐड कर दिया तो क्या होगा। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, राइट। एसिड बेस रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती हैं, सबसे पहले ये रिएक्शन हो जाएंगी। तो जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वी ऑलरेडी नो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इस वाटर का कोई यूज नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वाटर में आपने ऐड किया है तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। तो अब ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, उसके लिए रफ़ी सर का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रिएक्शन होने के बाद, आफ्टर रिएक्शन, आपको सॉल्यूशन को एनालाइज करना है कि उस सॉल्यूशन में फाइनली क्या बचा। तो तीन केसेज हो सकते हैं, राइट। एक केसेज वो कि सिर्फ सॉल्यूशन में सॉल्ट बचा हुआ है, और वो कब हो सकता है, जब आप एसिड और बेस उसी रेशियो में लिए जिस रेशियो में इसके स्टॉइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, तो ये कम्प्लीटली रिएक्ट हो जाएंगे और सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो ऐसे केस में उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम बोलेंगे। और इसका पीएच कैसे निकालेंगे, तो रफ़ी सर का सिंपल ट्रिक आज के इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा आपको। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने जो एसिड लिया वो एक्सेस में ले लिया, तो फिर क्या होगा, एसिड अगर एक्सेस में ले लिया है तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होने से सॉल्ट तो बन ही जाएगा, और जो एसिड एक्सेस में लिया जो अनरिएक्टेड है वो भी बच जाएगा। तो इसलिए दूसरा केस क्या हो सकता है कि सॉल्ट तो है ही सॉल्यूशन में, प्लस जो एक्स्ट्रा एसिड लिया अनरिएक्टेड एसिड वो भी लेफ्ट है। अब जो वो एसिड है उस पर कंडीशन, अगर वो एसिड वीक एसिड हो गया तो फिर एसिडिक बफर हो जाएगा। डैट मीन्स एसिडिक बफर होने के लिए सॉल्ट का होना ज़रूरी है प्लस वीक एसिड, और ये सॉल्ट कैसा होना चाहिए, तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट होना चाहिए, और वीक एसिड तो एसिडिक बफर बोलेंगे। अगर सपोज डैट कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर ये सिंपल एसिडिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। और ऐसे केस में H प्लस का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, जो अनरिएक्टेड जो लेफ्ट एसिड का कंसंट्रेशन है उससे आप H प्लस निकालेंगे, फिर वहाँ से पीएच निकालेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली एक कंडीशन क्या हो सकता है कि सर बेस को एक्स्ट्रा ले लिए, तो अगर आपने बेस को एक्स्ट्रा ले लिया तो सॉल्यूशन में सॉल्ट बचेगा प्लस जो वो अनरिएक्टेड बेस है वो बचेगा। अगेन वो बेस अगर वीक बेस हो गया तो बेसिक बफर, अगेन बेसिक बफर बनने के लिए वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट प्लस वीक बेस होना चाहिए, राइट। और दूसरा कंडीशन कि अगर वो बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो सिंपल ये बेसिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो जाएगा। और यहाँ पे OH- आप किससे निकालेंगे, जो अनरिएक्टेड बेस है उसके कंसंट्रेशन से, उससे आपको POH मिलेगा, फिर pH निकालने के लिए 14 में से माइनस करेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो रफ़ी सर ने आपको समझा दिया। उसको अप्लाई कैसे करना है तो वो भी वेरी सिंपल है, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने एसिटिक एसिड लिया, बैरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये एसिड हो गए, ये बेस, और दोनों को वाटर में ऐड कर दिया, तो ऐसे सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा। तो फिर वही कि पहला पॉइंट तो ये कि अगर मैं इसके दो मोल लेता हूँ, इसके वन मोल लेता हूँ, डैट मीन्स देखो जो स्टॉइकोमेट्री है उसी रेशियो में हमने मोल्स लिया, राइट। ज़रूरी है कि टू होगा तो टू ही लो, अगर ये फोर मोल लिया तो इसको टू मोल्स लेना है, डैट मीन्स ये 2:1 रेशियो में होना चाहिए, राइट, क्योंकि इसका स्टॉइकोमेट्री 2:1 रेशियो में। तो जो मोल्स लिया है उसका भी रेशियो अगर 2:1 में है, तो ऐसे केस में सॉल्यूशन में सिर्फ क्या बचेगा, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्लियर है। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपने एसिड का 1 मोल लिया और इसका 2 मोल लिया, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या हो गया कि बेस आपका ज़्यादा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ रेशियो कैसा आ रहा है 1:2 का, जबकि हमें क्या चाहिए था 2:1 का, राइट। तो एसिड कम अमाउंट में, बेस एक्सेस अमाउंट में, तो फिर ये ऐसे केस में सॉल्ट तो बनेंगे ही, राइट, प्लस ये बेस बच जाएगा आपका कुछ ना कुछ, तो सॉल्ट प्लस बेस हमारे सॉल्यूशन में रहेंगे, राइट। तो इसलिए ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये आपको बता रखा हूँ, बैरियम का हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, या फिर इसका के वी नहीं गिवन होगा तो भी आप पहचान जाओगे। तो ये बेसिक सॉल्यूशन से हम निकालेंगे, डैट मीन्स जो लेफ्ट बेस का कंसंट्रेशन होगा उससे OH- आएगा, फिर उससे POH आएगा, फिर 14 में से माइनस करेंगे तो pH आएगा।
तीसरा केस क्या हो सकता है कि इसके 6 मोल लिए, इसके 2 मोल्स लिए, जस्ट ये एक एग्जांपल है। तो ये ध्यान से देखो, 6:2 डैट इज 3:1 है, जो कि ग्रेटर हो गया इस रेशियो से। डैट मीन्स एसिड आपका एक्सेस अमाउंट में आप देख सकते हो और बेस लेस अमाउंट में। तो ये रिएक्शन होंगी तो सॉल्ट तो बनेंगे राइट, प्लस आपका ये एसिड बच जाएगा कुछ ना कुछ अमाउंट में। तो ये सॉल्ट और एसिड बच गया, और चूंकि ये एसिड एक वीक एसिड है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इसका के गिवन होगा आपको, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा फिर एसिडिक बफर का क्वेश्चन हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन को डील करना। ओनली थिंग इज कि आपको क्या कर सकता है, डायरेक्ट मोल ना दे करके मास दे देगा, तो पहले मोल्स निकाल लो राइट, या फिर हो सकता है कि इसका आपको नंबर ऑफ पार्टिकल दे दे। एनी हाउ आप पहले मोल्स निकाल लेंगे, मोल के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि आपके सॉल्यूशन में है क्या। मोल निकालने में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, मोल कंसेप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अगर किसी को प्रॉब्लम है, तो हमारा सिंपल मोल कंसेप्ट का वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। नाउ रफ़ी सर का वो ट्रिक जिससे आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से आने वाले किसी भी प्रॉब्लम को बहुत इजीली कर लोगे। तो ध्यान से देखो क्या होगा, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा राइट। आपको एनालाइज करना बता दिया, अगर हमारे सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट है, ये कैसे पता लगेगा, तो दो तरीके से, जो एसिड और बेस आपको क्वेश्चन में गिवन है वो उसी रेशियो में लिए गए हैं जिस रेशियो में उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो अगर इसके मोल्स एसिड और बेस के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम है, या फिर अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो भी वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का प्रॉब्लम है। और ऐसे सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए यहाँ है ट्रिक। ट्रिक का पॉइंट क्या है, वेरी सिंपल, मैंने एक टेबलर फॉर्म में बनाया है, टेबल देख के नहीं डरना, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, सीरियल नंबर, टाइप, टाइप कहने का मतलब जो आपने एसिड और बेस लिया वो किस टाइप का लिया। यहाँ पे एसे का मतलब है स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं बता रखा हूँ, ये 6 एनायन वाले, Cl- Br- I- ClO4- NO3- SO4-2, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड है। और दूसरा कैसे पहचानेंगे, इसका इक्विलियम कांस्टेंट नहीं गिवन होगा, क्योंकि ये वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होंगे। सिमिलरली SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस में 5 कैटन आते हैं, सोडियम प्लस, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फर्स्ट ग्रुप वाले 4, सेकेंड ग्रुप वाले लास्ट वाले बैरियम। दूसरा कैसे पहचान सकते हैं, इसका के भी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा राइट। WA का मतलब है वीक एसिड, WB का मतलब वीक बेस। तो सॉल्ट कैसे कैसे बन सकते हैं, ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, डैट मीन्स एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया, बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया, तो जो सॉल्ट बनेंगे उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट। सिमिलरली वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है, या फिर वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, या फिर वीक एसिड वीक बेस, यही 4 हो सकते हैं राइट कॉम्बिनेशन में। तो ये हो गया। पहचानेंगे कैसे, तो कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, तो वेरी सिंपल एग्जांपल भी ले रखा है, जैसे सोडियम प्लस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है, सीएल माइनस, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है। तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस के कैटायन हो और स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन हो, तो उससे बने हुए सॉल्ट को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, जैसे एग्जांपल NaCl। जैसे इसको अगर पहचानना हो सोडियम एसीटेट, तो सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया हुआ है और एसीटेट आयन ध्यान से देखो इसमें नहीं है, और इसका के आपको गिवन भी होगा क्वेश्चन में, तो वहाँ से पता लग जाएगा ये वीक एसिड है। तो ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है। सिमिलरली अमोनियम क्लोराइड, Cl- आपका स्ट्रॉन्ग में आ गया, लेकिन अमोनियम स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं है, तो ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ सॉल्ट है, ये बहुत इजीली पहचान लोगे। और अमोनियम एसीटेट, तो दोनों ही वीक पार्ट हैं राइट, तो वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया है, आप कैसे पहचानेंगे, अगर एनायन इन 6 एनायन में से कोई है तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, कैटायन इन 5 में से कोई है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, और उसके बाद रेस्ट जो भी बचे हैं वो वीक हैं राइट, तो पहचान लेंगे। सॉल्यूशन का नेचर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्वेश्चन का एक आइडिया हो जाएगा कि उस क्वेश्चन का आंसर कहां तक जाने वाला है। अगर आपका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, इसलिए पीएच उसका फिक्स हो जाएगा 7 राइट, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्ट जो है वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो जो स्ट्रॉन्ग होगा वही जीतेगा राइट, सिंपल सी बात है। तो स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस, तो इसलिए सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा, तो आंसर आपका जो भी आने वाला हो 7 से ज़्यादा वाले को टिक करना है।
सिमिलरली वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिड, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही जीतता है। सोल्यूशन कैसा हो जाएगा नेचर में? एसिडिक, डैट मीन्स हमारा आंसर 7 से लेस होने वाला है। सिमिलरली दोनों ही अगर वीक हो तो फिर ऐसे केस में कैसे करेंगे? तो डिपेंड करेगा कि इन दोनों वीक में भी कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट। तो जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा सोल्यूशन का नेचर वैसा होगा। अगर दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों का के भी इक्वल हो गया, तो सोल्यूशन फिर आपका न्यूट्रल हो जाएगा। अगर के ज़्यादा है डैट मीन्स एसिडिक ज़्यादा हो गया, तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। के भी ज़्यादा है डैट मीन्स बेसिक हो गया, तो सोल्यूशन बेसिक होगा। तो इसमें कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए पीएच की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 7 से लेस भी, 7 से ग्रेटर भी, राइट। हाइड्रोलिसिस किस किस का होगा, इस पर बेसिस बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग कैटायन या स्ट्रॉन्ग एनायन का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो वाटर उसको इज्जत देगा, तो क्या करेगा, उसको बस चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, तो हाइड्रेशन होगा उसका, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, यहाँ पर वाटर उससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे दोनों ही स्ट्रांग है, इसलिए किसी का भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जो वीक होते हैं उसका हाइड्रोलिसिस होता है, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पे वीक कौन है? एसिड, तो एसिड का एनायन होता है, तो एनायन का यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगा, जैसे इस केस में CH3CO- का हाइड्रोलिसिस होगा। सिमिलरली यहाँ पे वीक बेस है तो अमोनियम आयन डैट मीन्स कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, और अगर दोनों वीक है तो दोनों का होगा। तो हाइड्रोलिसिस किसका होता है? जो वीक होते हैं। सॉल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करता है? जो स्ट्रांग होते हैं। वेरी सिंपल। नाउ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, तो चूंकि यहाँ पे दोनों ही स्ट्रांग है तो के की भी आपको नहीं गिवन होगा। यहाँ पे वीक कौन है? एसिड, तो इसलिए उसका के आपको गिवन होगा, तो उससे पता लग जाएगा कि वीक एसिड है। यहाँ पे वीक कौन है? बेस, तो उसका के भी गिवन होगा, और यहाँ पे चूंकि दोनों ही वीक है तो के और के भी दोनों गिवन होगा। क्लियर है पॉइंट? अब सबसे इंपॉर्टेंट कि हम पीएच कैसे निकालेंगे। पीएच निकालने का मतलब आपको एच प्लस का कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। वेरी सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट। एच प्लस आप कैसे निकालेंगे? अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो फिर दिक्कत ही खत्म हो गई। 10^-7 हो जाएगा, डैट मीन्स पीएच यहाँ पे आपका 7 हो जाएगा, जो यहाँ कर दिया। तो यहाँ कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। अगर वो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है तो H प्लस का कंसंट्रेशन डायरेक्टली आप लिख सकते हो रूट अंडर, ध्यान से देखो, तीनों में रूट अंडर होगा और KW सब में ऊपर रहेंगे। वाटर का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है? H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट, जो कि फिक्स है 10^-14। इसलिए हमने इस कॉलम में KW की वैल्यू लिख दिया है, ये बाई डिफॉल्ट आपको मालूम है 10^-14 पुट करना है, राइट। तो ये फिक्स है। नाउ कंसेप्ट यहाँ पे क्या है? ए फॉर एसिड, ए फॉर एबव, तो एसिड अगर होगा तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऊपर में रखना है। बी फॉर बेस, बी फॉर बिलो, अगर बेस होगा तो उसका के बी को नीचे रखना है, और यहाँ पे जो सी है उसका मतलब है कंसंट्रेशन। तो जैसे अगर मुझे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सोल्यूशन का एच प्लस निकालना है, तो ध्यान से देखो KW ऊपर, KA, ए फॉर एसिड, ए फॉर एबव, तो ये ऊपर है तो आपका कंसंट्रेशन सॉल्ट का नीचे हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे इस केस में निकालना हो डैट मीन्स वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो आपको गिवन क्या होगा? के बी, एच प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? रूट अंडर ऑफ KW, ऑलवेज ऊपर, चूंकि बी फॉर बेस, बी फॉर बिलो, तो के बी नीचे है तो सी कहाँ चला जाएगा? ऊपर। वेरी सिंपल, और ये स्क्वायर रूट है, यहाँ से एच प्लस आया, पी एच आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर के ए के बी दोनों गिवन है तो क्या करना है? वेरी सिंपल, एच प्लस का कंसंट्रेशन, KW ऑलवेज ऊपर, ए फॉर एसिड, ए फॉर एबव, तो के ऊपर, और बी फॉर बेस, बी फॉर बिलो, तो के बी नीचे, तो इस केस में कंसंट्रेशन आएगा ही नहीं। इसलिए एक इम्पॉर्टेंट केस हो जाता है कि वीक एसिड वीक बेस से बने हुए सॉल्ट का पीएच उसके सॉल्ट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है के ए के बी पे। अब इसमें अगर के ए बड़ा होगा तो सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, के बी बड़ा होगा तो सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो आई होप ये वाला पॉइंट बहुत क्लियर होगा, एकदम सिंपल है। आपको दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो डायरेक्ट एच प्लस 10^-7, अगर कोई भी वीक हो गया तो आपको डायरेक्टली कैसे लिखना है? एच प्लस का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ, डैट्स ओके, KW ऑलवेज ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन को रीड करो, के गिवन होगा तो ऊपर कर देना, के बी गिवन होगा तो नीचे, कंसंट्रेशन अगर ए ऊपर है तो नीचे, अगर बी नीचे है तो ऊपर, और अगर दोनों ही वीक है, के ए के बी दोनों ही दे दिया है, तो फिर कंसंट्रेशन लेना नहीं है, डायरेक्ट के ऊपर, के बी नीचे। तो इससे इजी ट्रिक बेटा आपको कहीं नहीं मिल सकता। अब हम इसको अप्लाई करके आपको बताते हैं।
नाउ एप्लीकेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन में पीकेए 5 है, पीएच ऑफ 0.05 मोलर सोडियम एसीटेट का बताना है। तो ध्यान से देखो, सोडियम एसीटेट है तो ये सोडियम स्ट्रॉन्ग बेस से आया है और ये वीक एसिड से। कैसे पता लगा? पीकेए गिवन है, पीकेबी नहीं गिवन है, राइट। तो ये सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है, तो सोल्यूशन बेसिक होगा, तो पीएच 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन गया आपका, इन तीनों में से कोई होगा। और कैसे निकालेंगे? तो सिर्फ सॉल्ट का इन्फॉर्मेशन है तो आपको डायरेक्ट बोला है, H प्लस का डायरेक्ट कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो रूट अंडर ऑफ के डब्ल्यू 10^-14। के ए गिवन है बट ध्यान रहे पीकेए 5 है तो के ए कितना हो जाएगा 10^-5। तो के ए 10^-5, ए फॉर एसिड, ए फॉर एवम, और कंसंट्रेशन सॉल्ट का आपको गिवन है 5×10^-3। तो यहाँ से ध्यान से देखो 14 और 5 19 हो गया, 19 में से 3 जाएगा तो 16, तो ये 1/5×10^-16। तो ये निकालोगे तो रूट अंडर ऑफ 1/5×10^-8। तो यहाँ से पता लगा ये 8 होगा और ये प्लस में समथिंग होगा, तो 8 प्लस वाला आंसर एक ही है 8.5। प्लस में क्यों? क्योंकि 5 नीचे में तो माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस ऑफ लॉग रूट अंडर ऑफ 1.5 होगा, राइट। तो इस टाइप से आपको करना है, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इस टाइप से भी दे सकता है कि 20 ml 0.1 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर मिक्स किए 40 ml 0.05 मोलर HCl से तो pH बताओ। तो अब पहले ध्यान से देखो कि यहाँ पे KV गिवन है, ये बेस हो गया वीक बेस, और एसिड है इसका कुछ नहीं गिवन है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। इनका अगर मिली मोल्स निकालोगे तो 20×0.1 कितना हो जाएगा 2 मिली मोल्स, राइट। और इनका निकालोगे तो 40×0.05 तो इसका भी क्या हो जाएगा 2 मिली मोल्स। तो यहाँ पे जितना एसिड लिया उतना ही बेस, क्यों? क्योंकि रिएक्शन जब होगी तो NH4OH और HCl गिव्स यू NH4Cl प्लस वाटर, दोनों का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:1 का है, तो आपने 2 मिली मोल्स लिया है तो सॉल्यूशन में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? सॉल्ट। और ये सॉल्ट कैसा बना हुआ है? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से। वो कैसे पता लगा? के वी गिवन है तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा, पीएच 7 से लेस होगा, तो सब में है। अब हमें ऑप्शन चेक करना है तो आपको H प्लस इस केस में डायरेक्ट बताया कैसे निकालना है, रूट अंडर ऑफ के डब्ल्यू 10^-14। A फॉर एसिड, A फॉर एवा, B फॉर बेस, B फॉर बिलो, तो ये नीचे जाएगा 10^-5। और इसका कंसंट्रेशन, सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा? तो इसके 2 मिली मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ऐड करना नहीं बोलेंगे, तो 40+20 डेट इज 60, राइट। तो ये हो जाएगा 1/30, तो आप इसको कर दो 1/3×10। तो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 5 में से एक चला जाएगा तो 10^-4 ऊपर जाएगा तो 10^-10 जो कि 10^-5 में बाहर निकलेगा और इंटू रूट अंडर ऑफ 1/3 रहेगा, राइट। नाउ आपको मालूम है कि ये 5 हो जाएगा और चूंकि ये नीचे में है तो प्लस हो जाएगा 5 point something, ऐसा एक ही ऑप्शन है सी। आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं जहाँ पे आपको, यहाँ पे एक और कर सकता है कि वो मास दे दे, मास से पहले मोल्स निकाल लो फिर आप एनालाइज करो, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 में अमोनियम फॉस्फेट है, पीकेए पीकेबी गिवन है, पीएच बताना है। तो चूंकि हमें केए केबी दोनों गिवन है, डेट मीन्स ये दोनों वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो ऐसे केस में पीएच मैंने आपको डायरेक्ट बताया एच प्लस इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ के डब्ल्यू 10^-14, के ए तो के ए कितना हो जाएगा 10^-6, और के बी तो के बी कितना हो जाएगा 10^-4। तो यहाँ पे आप पुट कर दो 10^-4 कितना होगा, तो ये 10^-8 आ जाएगा रूट का, तो पी एच कितना हो जाएगा 8। और वैसे भी हमें एक आइडिया था कि 7 और 6 नहीं हो सकता, क्यों? पी के ए पी के बी इक्वल नहीं है, और चूंकि पी के बी कम है इसका मतलब के बी ज़्यादा होगा, सोल्यूशन बेसिक होगा, तो आंसर हमारा 7 से ज़्यादा आना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई होगा। तो एक तरीके से आप ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, ऑप्शन को इस तरीके से एलिमिनेट भी करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में 0.01 मोलर HCl NOH CH3CO और NaCl का pH ऑर्डर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है सबका कंसंट्रेशन सेम है, ये जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट हो गया, ये सिर्फ सॉल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ, और ये सिर्फ आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जितना ज़्यादा एसिडिक पीएच उतना कम, तो पीएच का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा एनओएच का पीएच होगा, राइट। उसके बाद आपका ये
स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड से बना हुआ सॉल्ट CH3CONA का होगा, फिर NaCl न्यूट्रल PA7 और फिर HCl। तो इस सब से पूछ सकता है, अगर POH का पूछता तो इसका उल्टा हो जाता। तो जस्ट मैं एक आइडिया देना चाह रहा हूँ बेटा ये पांच प्रॉब्लम से कि किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाएगा और कैसे आप इजीली करेंगे रफी सर के सिंपल ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर 5 में विच कैन नॉट हाइड्रोलाइज, तो हाइड्रोलाइज कौन हो सकता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन होगा या स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन होगा। तो इसमें ध्यान से देखो, ये स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है और स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन है, तो यही हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। इसमें ये एसिटेट एंड वीक एसिड से ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा बट ये नहीं होगा। तो ओवरऑल सॉल्ट की तो हाइड्रोलिसिस होगी, इसमें अमोनियम हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, सीएल नहीं होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से, बट ओवरऑल सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा और यहाँ पे दोनों का होगा क्योंकि दोनों ही वीक से, राइट। तो ये आपको एक आइडिया दिया हूँ कि कैसे क्वेश्चन को करना है। आई होप मेरा ये ट्रिक आपको बहुत फ़ायदा करेगा, आप सारे PYQ के प्रॉब्लम को इस पर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर के क्वेश्चन को कैसे करेंगे सिंपल ट्रिक से। थैंक यू।